हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त वन यू वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में हम करने वाले हैं एक हॉल वीडियो, और ये हॉल वीडियो है हमारी अपनी कतरी मार्केट का, जो कि है मंगोलपुरी में बहुत ही फेमस मार्केट। और यहाँ के जितने भी मेरे रिसेंट आउटफिट्स हैं, जितने भी मैंने रिसेंट शॉपिंग की है, वो सारे आउटफिट मैं आपको दिखाने वाली हूँ। किस शॉप से लिए हैं, कितने में लिए हैं, क्या फैब्रिक है, मैं आपको पूरी डिटेलिंग देने वाली हूँ। और आप लोगों को जोन सा आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रही है। तो प्लीज, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो ये फर्स्ट है वो है ये कुर्ती, और ये कुर्ती कुछ इस तरीके की है, और इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा डिटेलिंग का वर्क है। यहाँ पे ये बटन्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये बटन्स, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये प्लीट्स दी हुई है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा है पहनने के बाद। आप देख सकते हैं वीडियो में कितना कूल लग रहा है ये। इसकी स्लीव्स भी फुल लेंथ में है, और यहाँ पे इसकी यहाँ पे छोटी छोटी प्लीट्स बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और इसमें ये रेड कलर के बटन्स हैं, तो आप इसे किसी रेड कलर की पजामी या प्लाजो के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की है, और मुझे ये कुर्ती बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। और आप देख सकते हैं वीडियो में इसकी लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर आई, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस जस्ट 300 है, और 300 की रेंज में इसका फैब्रिक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जो इसका ब्रांड है वो आप देख सकते हैं, ये ब्रांडेड कुर्ती है और मीडियम साइज में, और मुझे जस्ट ये ऐसे ही एकदम फिट आ गई थी, तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तो ये वाली कुर्ती तो मतलब आप गर्मी में, समर में ना, कहीं पर भी पहन के निकल सकते हो। आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा कि आयरन करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि इसमें आयरन की भी जरूरत नहीं है, आप इसे एज इट इज कहीं पर भी जाने के लिए पहन सकते हैं। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी। तो अब ये था हमारा फर्स्ट कुर्ती, तो अभी हम बात करते हैं सेकेंड की। तो सेकंड है वो है ये ओवरसाइज शर्ट, जो कि इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लगी थी, पूरी गोवा वाली वाइब्स दे रही थी, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी आई। और ये भी अगेन जो है ब्रांडेड है, आप लोग सारे चेक कर सकते हैं, ब्रांड्स के हैं सारी क्लॉथ्स। और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है मुझे इतना सुंदर लगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर से एक और शर्ट है ऐसी करके, ये देखिए इसके अंदर अटैच्ड है ये, और इसके ऊपर एज अ श्रक अटैच्ड है। और ये ओवरसाइज है, तो मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे पहना था तो मुझे समझ ही नहीं आया था इसे किस तरीके से कैरी करना है। फिर बाद में मैंने प्रॉपरली इस तरीके से कैरी किया, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी। इसका फैब्रिक बहुत ही समरी फैब्रिक है, शिफॉन और जॉर्जेट का मिक्स है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड। ये समर के लिए मतलब बेस्ट है। इसका कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा, ओवरऑल ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो एक ये लिया था मैंने, और ये भी मैंने अगेन कतरन मार्केट के 257 शॉप नंबर से लिया था, तो आप अपने लिए देख भी सकते हैं। और ये मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में दिखाया भी है, जब भी मैंने ये खरीदा था तो मैंने इसे दिखाया भी था कि मैंने ये लिया है, तो ये तभी लिया था। और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है, तो आप लोग देख लीजिए इसको, ये कैसा लग रहा था। और इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस है जस्ट 300, और ये उसके हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्रांडेड है। तो अभी हम बात करते हैं अपने तीसरे आउटफिट की। है ये कुर्ती, और ये मुझे एज इट इज ऐसे ही फिट आ गई थी, मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगी। इसका जो कपड़ा है वो मटेरियल है, जो इसका फैब्रिक है वो है प्योर कॉटन, जो कि इतनी अच्छी लुक दे रहा, बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक दे रहा है। और इसके ऊपर जो प्रिंट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके साथ हमें एक दुपट्टा मिला और एक प्लाजो मिला है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका जो दुपट्टा है वो कुछ इस तरह का है, आप इसका दुपट्टा देख सकते, इसका जो दुपट्टा है वो स्टोल की तरह है, एक इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, इतनी है स्टोल जैसी, और लेंथ इसकी प्रॉपर है, तो इसका भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक आ रहा था। ये इसका दुपट्टा हो गया, जो कि आपको स्टोल की तरह लुक देती है। और इसका जो प्लाजो है वो है ये, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ये देखिए ये इसका प्लाजो है। और ये पूरा जो सेट है वो मुझे पड़ा है जस्ट 450 का, और जो इसका शॉप नंबर था ना वो 133 जो शॉप नंबर है ना, उसके जस्ट सामने दो तीन शॉप छोड़ के ही कोई तो शॉप थी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इसका शॉप नंबर नहीं पता है, तो ये मैंने वहां से लिया था। और ये पूरा सेट जो है मुझे 450 का पड़ा है, तो ये प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पूरा सेट है और इतने में इतना अच्छा फैब्रिक आपको नहीं मिलने वाला है। तो जो फोर्थ है वो है ये डेनिम का शर्ट, जो कि अगेन ब्रांडेड है, और इसका लुक इतना ज्यादा सुंदर आ रहा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका लुक आया है। और इसका जो फैब्रिक है वो इतना ऑसम है, इतना ऑसम है, मतलब बिल्कुल मक्खन जैसे डेनिम है ये, मुझे इसका फैब्रिक पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, आप लोगों को भी पसंद आएगा। और ये जो मैंने लिया था, ये भी मैंने अगेन 257 शॉप नंबर से लिया था, और जो इसका प्राइस है वो है 350 या 300 के आसपास था,
उसको लिए हुए काफी टाइम हो गया और मैंने इसे बहुत बार पहन लिया है और ये बहुत ही अच्छी लुक देती है, तो आप इसे देख सकते हैं। और मेरे जो ज्यादातर जो ड्रेसेस होती है वो मैं ज्यादातर मंगोलपुरी में मतलब 257 शॉप नंबर से लेती हूँ, बाकी मैं अदर जगह से भी लेती हूँ, बट जो मैं आज का हॉल दिखा रही हूँ उसमें मोस्टली 257 से लिए हुए कपड़े हैं मेरे सारे। और ये यहाँ पर एक आपको एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है ताकि आप जो स्लीव्स को है ऊपर की साइड टाई अप कर सकते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा बटन है यहाँ पर, तो इसको आप ऊपर से टाई अप कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था। और अगेन ब्रांडेड है, मतलब यहाँ मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर एक चीज ब्रांडेड मिलती है और ब्रांडेड प्राइस, मतलब ब्रांडेड आपको कपड़े तो मिलते हैं बट इनका प्राइस उसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा कम होता है, तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा मतलब सस्ती मार्केट लगती है और उसके हिसाब से वहाँ हमें बहुत चीजें अच्छी मिल जाती है और जो ब्रांड्स होते हैं वो काफी बड़े भी होते हैं यहाँ पर। और दूसरी जो अच्छी बात है इस मार्केट की वो ये है कि ना यहाँ पर ना आपको कोई भी यूज किया हुआ कपड़ा नहीं मिलता, सारा ब्रांड न्यू होता है क्योंकि ये फैक्ट्री से लॉट में पूरा माल आता है इन लोगों के पास, तो इस वजह से यहाँ हम लोगों को थोड़ा सस्ता मिल जाता है और एकदम ब्रांड न्यू होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये यूज किया हुआ आता है या कुछ भी होता है, यहाँ पर आपको ब्रांड न्यू मिलेगा, आप कभी भी जाके देख सकते हैं। मुझे तो ये मार्केट बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ से बहुत ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो अब बात करते हैं हमारे फिफ्थ आउटफिट की, जो कि ये है। और जो फिफ्थ है वो है ये टॉप, जो कि इतना ज्यादा सुंदर है, मतलब आप इसको एज अ ऑफिस में भी पहनकर जा सकते हैं, आप सिंपली घर पे भी पहन सकते हैं, कहीं आपको बाहर जाना तब भी आप पहन सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है इसके स्लीव्स तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, मतलब इसमें आपको ना ये डिजाइन मिल जाएगा, इतना सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है इसमें, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये और इसका पहनने के बाद लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। और अगेन आप इसका ब्रांड भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको हर चीज ब्रांडेड मिलेगी। तो मुझे ये फैब्रिक जॉर्जेट में है और ये थोड़ा महंगा वाला जॉर्जेट है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट वाला जॉर्जेट लगा, ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगा और पहनने के बाद इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का है, आप इसे पीछे से भी देख सकते हैं, ये ऊपर यहाँ पर इसमें लाइनिंग दी हुई है, तो ये लाइनिंग जो है ये बहुत ही ज्यादा इसका लुक जो है कूल बना रही है। तो ये भी मैंने 257 शॉप नंबर से लिया था और इसका प्राइस थोड़ा कम था, ये आई थिंक 200 के आसपास की रेंज में मैंने इसे लिया था, तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जो ये सिक्स्थ है वो है ये टॉप, जो कि आप ऐसे कैजुअली भी पहन सकते हैं, आप अपने ऑफिस में फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, आप दोनों ड्रेसेस पे से दोनों तरह से इसको कैरी कर सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह से। मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसकी जो यहाँ पर ये जो लाइनिंग दी हुई है कुछ रिंकल टाइप की, ये इस तरीके की है कि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, और ये आपकी बॉडी को पूरे अच्छे से हग कर लेता है, मतलब कुछ इस तरीके का फैब्रिक है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी कुछ इस तरीके की डिजाइन बनी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। और इसका कलर भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, मुझे ये जो है ना ये टॉप इतना ज्यादा पसंद आया था कि मैंने इसका सेम एक और खरीदा था व्हाइट कलर में, और उसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस जस्ट 200 है, तो 200 की रेंज में ये बहुत 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 ही ज्यादा अच्छा है। और अगेन इसका ब्रांड मैं आपको शो कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं सारे ही कपड़े आपको यहाँ पे ब्रांडेड मिलेंगे। और पीछे जो है इसकी एक ऐसे डिटेलिंग मिल जाती है, पीछे एक बटन है और यहाँ से ये कट आता है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है बैक से, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसे आप हर तरीके से हर एक चीज के साथ कैरी कर सकते हैं, चाहे वो जीन्स हो, पलाजो हो, फॉर्मल इनफॉर्मल, हर तरीके से। तो मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो आप ये भी देख सकते हैं, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट आउटफिट की। तो नेक्स्ट है ये रेड कलर की टॉप, जो कि वेलवेट में है और इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है। जो इसकी स्लीव्स है इसमें इस तरीके का डिजाइन है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है, और इसके नीचे में भी इस तरीके का डिजाइन आता है व्हाइट कलर में, बहुत प्यारा लग रहा है ये। और जो इसका फैब्रिक है वो अगेन आपको दिख ही रहा होगा कि वेलवेट का, और ये इस तरीके का ऑफ शोल्डर है, आप इसको चाहे तो साड़ी के साथ भी कैरी कर सकते हो, और मैंने तो इसको लहंगे के साथ भी कैरी किया था। तो अगर आप लोगों को देखना है कि लहंगे पे कैसा लुक देता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा लिंक होगा, तो आप अगर आप चाहें तो वहां से मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। और आप लोगों को ये टॉप कैसी लगी मुझे बताना, रेड कलर में इसका लुक भी बहुत ज्यादा सुंदर आता है, तो इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस जस्ट 250 था। और ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया भी था, तब भी मैंने शॉपिंग किया था, मैंने तभी दिखाया था कि ये मैंने लिया है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो में चेक भी कर सकते हैं इसे। तो ये नेक्स्ट हमारी ये कुर्ती है, और ये मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और ये भी मुझे मोस्टली स्लीव्स की वजह से पसंद आई थी, इसकी स्लीव्स बहुत ही ज्यादा सुंदर स्लीव्स है इसमें, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और इसपे कुछ इस तरीके का प्रिंट है, और इसका जो फैब्रिक है मुझे नहीं पता कौन सा फैब्रिक है, पर जो भी फैब्रिक है मतलब बहुत ज्यादा अच्छा और सॉफ्ट सा फैब्रिक है,
जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और अगेन ये ब्रांडेड है, उसमें जो मीडियम साइज है वो मुझे ऐसे ही फिट आ गया था। उसकी स्लीव्स है ना, वो तो मतलब आपका दिल ले लेगी, इतनी ज्यादा सुंदर स्लीव्स है इसकी। और जो कलर है वो आप देख सकते हैं, इसमें आप किसी भी कलर का प्लाजो पहन सकते हैं, पजामी पहन सकते हैं, या आप इसे इस जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये हर तरीके से अच्छा लगने वाला है। और जो इसका कॉलर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे जो बटन्स की डिटेलिंग है, ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे ये बहुत 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 प्यारा लगा। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा कैसा नहीं, पर मुझे ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं कुर्तियाँ कम खरीदती हूँ, और जब भी खरीदती हूँ तो मैं बहुत सोच समझने के बाद ही कुछ लेती हूँ इंडियन वेयर में। तो मुझे उस हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें इतने सारे कलर्स हैं, तो मुझे इसकी वजह से ज्यादा अच्छा लग रहा था कि इसमें हर तरीके के कलर मिलेंगे आपको, एकदम कलरफुल है। और इसका लुक पहनने के बाद तो माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। तो आप बताइएगा कि आपको कौन सा वाला आउटफिट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। तो अभी हम अपने लास्ट आउटफिट की तरफ बढ़ते हैं, और जो लास्ट है वो है ये पजामा। ये जो लास्ट वाला है, ये वेलवेट का पजामा है इस तरीके का, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगेन ये फैब्रिक ही है, मतलब अगेन ये ब्रांडेड है, यहाँ पर आपको हर कपड़ा ब्रांड्स में ही मिलेगा। और इसमें यहाँ पे आपको दो पॉकेट्स मिल जाती हैं, ये देखिए यहाँ से इसकी कुछ इस तरीके की पॉकेट्स हैं, और ये प्रॉपर हाई वेस्ट वाला है, और यहाँ पर इसकी दो पॉकेट्स आपको आराम से दिख जाती हैं। और हाई वेस्ट में ये बहुत ही अच्छा लुक देता है पहनने के बाद। तो आज का हॉल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।